जनपद कानपुर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने अपन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग बोर्ड में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाने, अनुभवी लिपिक की तैनाती करने, बेरा जांच की सुविधा उपलब्ध कराने, आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर दिव्यांग बोर्ड में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चिरंजीवी को उपस्थित रहने, दिव्यांग बोर्ड में अनुभवी लिपिक की तैनाती करने, मूक बाधित दिव्यांगों के लिए बेरा जांच की व्यवस्था कराने, आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। दिव्यांग बोर्ड में अनुभवी लिपिक की तैनाती होनी चाहिए। लिपिक के ना होने से दिव्यांगजनों के सत्यापन के पत्र लंबे समय से लंबित हैं। बाधित दिव्यांगों के लिए बेरा जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। गरीब दिव्यांगजनों का आयुष्मान कार्ड न बनने से उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे दिव्यांगजनों की काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, जिला अध्यक्ष दक्षिण आनंद तिवारी, अरविंद सिंह, बंगाली शर्मा, वैभव दीक्षित, गुड्डी दीक्षित, प्रेम कुमार तिवारी, जितेंद्र कुमार गुप्ता, गौरव कुमार, अर्जुन कुमार, विजय प्रताप सिंह, भगवान दास, पुष्पेंद्र सिंह, अंकिता, आशीष कुमार आदि शामिल थे। कानपुर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा दिक्कत हमको डॉक्टर चिरंजीवी जी से, इससे दिक्कत ये है कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बने हैं और वो प्रोफार्मा पर बनने चाहिए, विभाग भेजता है वो उसको बना नहीं रहे। एक आवेदन हमने इसमें लगा दिया था, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज चार सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम संबोधित दिया है, जिसे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के सिंह जी ने लिया है। और पहली मांग ये है कि जो दिव्यांग बोर्ड में अव्यवस्था है, लिपिक जो तैनात है वो सीट पे आते नहीं, और तमाम जो दस्तावेज हैं दिव्यांगों के, जो सर्टिफिकेट बनने हैं, जो UDID कार्ड जारी होने हैं, या जो विभागों ने दिव्यांगजनों को लाभ देने के लिए सत्यापन के लिए प्रपत्र भेजे हैं, वो सत्यापन नहीं हो पा रहे हैं लिपिक के ना होने से। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि कोई अनुभवी लिपिक जो है दिव्यांग बोर्ड में दिया जाए, जिससे कि काम बढ़े। नंबर दो, बेरा जांच की सुविधा कानपुर में नहीं है, जिससे बधिर दिव्यांगों का के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। नंबर तीन, जो डॉक्टर चिरंजीवी है मानसिक रोग विशेषज्ञ, वो उर्सला में बैठते हैं, दिव्यांग बोर्ड के मेंबर हैं ना, उर्सला में लगने वाले दिव्यांग बोर्ड में वो आते हैं और ना ये रामा देवी में लगने वाले दिव्यांग बोर्ड में आते हैं, और उनके यहाँ रिफ़र करके जो कागज़ जाते हैं वो उस पर इतना टार्चर करते हैं दिव्यांगजनों को कि वो कभी दो साल का बना देते हैं किसी का, किसी का 5 साल का बना देते हैं, जिससे दिव्यांगजनों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर भाई प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं तो या तो परमानेंट बनाइए या उसको खारिज कर दीजिए, तब तो ठीक है। अब वो लिए लिए घूमता है, उसको लाभ कहीं मिलता नहीं है। तीसरा ये है कि आयुष्मान योजना के तहत दिव्यांगजनों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी सूची CMO साहब को, पूर्व CMO साहब को दी गई थी और आज तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। ज्ञापन दिया है, क्या एक्शन दिया उन्होंने? ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि CMO साहब के सामने मामला रख करके सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। वीरेन जी, आज आप लोग किस लिए ज्ञापन देने आए थे और क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की तरफ से दिव्यांगजनों की दिव्यांग बोर्ड में जो समस्याएं हैं या वैसे भी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, उनके संबंध में चार सूत्री ज्ञापन हमने सौंपा है। पहली मांग तो हमारी ये है कि जो लिपिक यहाँ तैनात है दिव्यांग बोर्ड में वो सीट पे नहीं रहते, एक चतुश्रेणी कर्मचारी के सहारे पूरा दिव्यांग बोर्ड चल रहा है, तमाम पेंडेंसी है, विभागों से सत्यापन आते हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र के, वो नहीं हो पा रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है सत्यापन ना होने की वजह से, और भी समस्याएं हैं, लोगों की पेंशन की पारिवारिक पेंशन मिलती है मृतक आश्रय के रूप में, वो सत्यापन ना होने की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। एक डॉक्टर चिरंजीवी जी हैं,
जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो उर्सला से अपने चेम्बर से निकल के आते ही नहीं हैं। दिव्यांग बोर्ड में वो सदस्य नामित हैं। जो लोग वहाँ रिफ़र करके जाते हैं उनकी स्थिति यह है कि उनको हरेसमेंट किया जाता है, उनका सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जब पैसा नहीं दीजिए तो दो साल, चार साल, पाँच साल का सर्टिफिकेट बनता है, स्थाई बनता ही नहीं है। तमाम लोगों के सत्यापन वो वापस कर देते हैं और आयुष्मान योजना का लाभ नहीं बन पा रहा है। कानपुर नगर में बेरा जांच की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से दिव्यांगजनों को परेशानी होती है। एक ग्रेड का सारा शहर होने के वजह बेरा जांच नहीं हो पा रहा। लगातार आप लोग जो है मुलाकात करते हैं, कभी अधिकारी से, कभी मंत्री से, लेकिन एक भी मांग नहीं पूरी हो रही है। क्या लगता है आपको और आगे क्या करेंगे? नहीं, मांग पूरी तो होती है लेकिन जो समस्याएं समाधान होती है फिर समस्याएं नहीं आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, समस्याओं का समाधान तो हो रहा लेकिन वो जैसे हल होती है वैसे दूसरी नई समस्या आ जाती है, वसूली होती है। तो इसलिए जो है आरोप है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी निरंतर दिव्यांगजनों, गरीबों, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है और करती है। रेन जी, एक चीज़ और कि यहाँ पर ये शिकायत मिली है कई बार कि जो लोग विकलांग जन आते हैं, दिव्यांग जन आते हैं, उनसे वसूली के भी जो है मामले सामने आए हैं कि जो लोग यहाँ पर पैसे मांगते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर या कुछ काम कराने के नाम पर। एक चीज़ है, जो शिकायत करते हैं ओरली करते हैं, रिटर्न में मैंने तमाम लोगों से मांगा लेकिन उन्होंने लिखित देने का साहस उनके अंदर नहीं। जो भी वजह रही हो, अगर आदमी लिखित शिकायत